फुटर में तीन चीज़ें आपको दिखा रहा है, हेडर, फुटर, पेज नंबर। विद हेडर, फुटर्स एंड पेज नंबर यू कैन ऐड हेडिंग नोट्स, फुट नोट्स एंड पेज नंबर्स टू योर डॉक्यूमेंट। आपने 10 पेजेस की डॉक्यूमेंट बनाई, अब हेडर और फुटर की जो प्रॉपर्टी है वो आपके पेज से अलग होती है, आपके पेज की जो मार्जिन होती है उस मार्जिन से ऊपर रखा जाता है इसको, ताकि आप जो डेटा अपनी मार्जिन के अंदर डाल रहे हैं उसको ये डिस्टर्ब ना करे। इसलिए ये हेडर और फुटर का अलग से एक फंक्शन रखा जाता है। जब आप हेडर और फुटर अप्लाई करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि इसकी प्रॉपर्टी पेज की प्रॉपर्टी से अलग है। ठीक है, पेज की प्रॉपर्टी ये है कि जैसे मैंने ये टाइप की चीज़ें, ये पेज की प्रॉपर्टी में आ जाती हैं क्योंकि मैंने पेज के अंदर टाइप की हैं। लेकिन अगर मैं हेडर और फुटर के अंदर चीज़ें टाइप करता हूँ तो वो मेरे पेज की प्रॉपर्टी नहीं होती। और इसका ये भी एक फ़ायदा होता है कि जब आप पेज नंबर रखते हैं तो आप एक पेज पे नंबर अप्लाई करेंगे, असाइन करेंगे, वो तमाम पेजेस को नंबर असाइन कर देगा सीरियल वाइज। अगर आप एक पेज पे हेडर रखते हैं तो जितनी भी डॉक्यूमेंट पे पेजेस हैं उन सब पे ये हेडर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप फुटर पे कोई फुट नोट रखते हैं तो वो तमाम पेजेस पे वो फुट नोट आ जाएगा। ठीक है, इसका ये फ़ायदा है। दूसरी चीज़ है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स बड़ी काम की चीज़ है। ज़्यादातर जब हम काम कर रहे होते हैं, हमें अगर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट बनानी है, एक तो हमारे पास जो सिंपल सी डॉक्यूमेंट होती है हमने सिर्फ टाइप करना है और चीज़ों को मैनेज करना है, एक होता है कि हम उसमें कोई ऑब्जेक्ट भी रखना चाहते हैं, हम उसमें कुछ टेक्स्ट जो है वो अलग से साइड पर रखना चाहते हैं। तो अगर आप एक पेज के टेक्स्ट को यूज़ करेंगे जिसकी प्रॉपर्टी पेज के साथ मिली हुई है, पेज के साथ मुंसलिक है, तो आप उसको उठाकर यहाँ नहीं रख सकते, आप उसको उठाकर यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है, वो अपने पेज के सीक्वेंस के साथ ही चलेगा। तो अगर आपने कोई टेक्स्ट यहाँ इस कोने में रखना है, इस कोने में रखना है, यहाँ पे रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ले लेते हैं, उसमें अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं और उसको फिर हम किसी भी जगह पर रख सकते हैं। उससे आपकी पेज की प्रॉपर्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी पेज की प्रॉपर्टी से अलग होती है। उसके बाद यहाँ पे क्विक पार्ट्स हैं। इंसर्ट में कुछ चीज़ें क्विक पार्ट्स या वर्ड आर्ट या ड्रॉप कैप, ये तीन चीज़ें आती हैं टेक्स्ट में, कि कुछ टेक्स्ट लिखे हुए आपके पास रखे होते हैं, आप उनको डायरेक्टली अपने पेज में ला सकते हैं बजाय उनको टाइप करने के, लिखने के। इसके अलावा वर्ड आर्ट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट्स को डिज़ाइन देना, वो वर्ड आर्ट के अंदर एक आर्ट्स बने होते हैं, आप वो डायरेक्टली अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रॉप कैप क्या होता है, ये एक पैराग्राफ का स्टाइल होता है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये एक पहला जो लेटर होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा साइज़ में और बाकी लाइनें वहाँ से शुरू होंगी, एक पैराग्राफ की टाइप आपको बता रहा है। ड्रॉप कैप यूज़ करके आप इसको डायरेक्टली अपने पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट। अब मैं चाहता हूँ जी मेरे हर पेज में अपने एक सिग्नेचर लाइन भी, मैं हर पेज पे एक सिग्नेचर की लाइन रखना चाहता हूँ, तो मैं सिग्नेचर लाइन की मदद से अगर मैं नाम भी लिखूँगा अपना तो मेरा नाम आ जाएगा ऊपर, उसके लाइन आ जाएगी, जैसा सिग्नेचर हम उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, डेट एंड टाइम, वो डेट एंड टाइम जो आपके इस वक्त कंप्यूटर में चल रहा है, जो डेट चल रही है, जो टाइम चल रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप ये बताने के लिए आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो आपको बता देते हैं जी जिस टाइम आपकी ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए आप उसके टाइम आप नोट कर लेना। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप उसका वही टाइम जो करंट चल रहा होता है आप डायरेक्टली डेट एंड टाइम की मदद से अपने पेज में ला सकते हैं और दिखा सकते हैं कि जी मैंने इस टाइम पे ये मैंने काम किया था। ऑब्जेक्ट से डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, जैसा कि आप चाहते हैं कि अगर मैं एक्सेल का काम ले आऊँ अपने पेज पे, मैं पेंट का काम अपने पेज पे ले आऊँ, याद होगा हमने वर्ड पैड में ये चीज़ पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दूसरे किसी प्रोग्राम का काम डायरेक्टली अपने पेज पे अपनी डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। ठीक है,
ये इक्वेशंस हैं, ये मैं आपको बाद में बता समझा देता हूँ कि इक्वेशन और सिंबल ये भी लिखे हुए हैं, सिर्फ उनको हम अपने पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी।